बाइट कर लेते हैं इधर बाइट दे सर आप ब्लैसिंग बोलिए सर जानना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे बड़ा दिन आपके लिए जेपी नड्डा की फिल्म रिलीज हुई पलटन में रिकॉर्ड होता है क्या कहना कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है इंडस्ट्री के लोगों से फ्रेंड्स रिलेटिव्स क्या कहना चाहेंगे सर मैं बस जो आजकल जो बेसिक मीडियम है सोशल मीडिया वहाँ से जो रिव्यूज़ आ रहे हैं वो मुझे मतलब विश्वास नहीं हो रहा इतने अच्छे रिव्यूज़ मुझे पहली बार मिले हैं लाइफ में मैं जेपी सर को जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है मैं दोपहर में गया उनके घर उनके पैर छू के आया हूँ और उनको थैंक यू बोल के आया हूँ कुछ रिव्यूज़ में बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं मूवी लोग देखने जा रहे हैं पसंद कर रहे हैं और एक इंडियन पेट्रियाटिज़म की जो फील है वो बहुत दिनों से एक मिसिंग थी वो जेपी सर की फिल्मों में जो आती है वो वापस आई है तो मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ पहली बार इस तरह मैंने अपने दोस्तों के लिए भाइयों के लिए स्क्रीनिंग रखी है मेरे सारे कज़न्स आए हैं दूर दूर से छिंदवाड़ा से पुणे से तो उन सब के लिए मैंने ये स्क्रीनिंग रखी है और सब लोग देखना चाहते हैं साथ में तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है देखा आपने थैंक यू सर मैंने उम्मीद नहीं करी थी टू बी ऑनेस्ट लेकिन जेपी सर ने मेरे लिए मतलब मेरा एक टर्निंग पॉइंट कह सकता हूँ कि मेरे लिए क्रिएट किया है मेरी लाइफ में मुझे इतनी जल्दी एक ऐसी फिल्म दी जहाँ पे लोग इतना पसंद करेंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था तो मैं बस थैंक यू के अलावा और कुछ नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि हर तरफ से लोग बहुत प्यार भेज रहे हैं और मेरे कुछ लोगों को मेरा नाम समझ में नहीं आ रहा है कुछ लोग पहचान नहीं रहे तो कह रहे हैं वो सरदार जो है ना वो उसने बड़ा अच्छा तो जो भी है जिस तरीके से भी प्यार आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने सच में उम्मीद नहीं करी थी कि इतना प्यार मिलेगा सर मैं आपको सच बताऊं तो बहुत झूठ होगा अगर मैं ये बोलूँगा कि मैटर नहीं करता क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है वो सिर्फ तालियों का ही भूखा होता है तारीफ़ का ही भूखा होता है तो तारीफ़ अगर मिलती है तो उससे बेटर उससे ज़्यादा जो कहते हैं ना थर्स्ट क्वेंचिंग एक प्यास बुझने वाली जो बात होती है वो ऐसा लग रहा है कि आज के लिए प्यास बुझी है कल से मैं फिर प्यासा हो जाऊँगा लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ पहली बार मुझे इतने अच्छे रिव्यूज़ मिले सर जॉन सर को मैंने जॉन सर आए थे मूवी देखने तो उन्होंने कहा है कि उनको ही ऑलमोस्ट यू नो फेल्ट अ लिटिल टीयरी आइड उनकी आंखों में थोड़ा सा पानी था जब मेरा जो सीक्वेंस होता है जिसमें मुझे चोट लगती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और सबको उन्होंने बेस्ट ऑफ लक कहा है पूरी टीम को उन्होंने बेस्ट ऑफ लक कहा है सो ही रियली वॉज मूव्ड बाय द फिल्म एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात है थैंक यू आइए चलिए